लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1B, दैट इज नंबर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. जैसे कि हम जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो कि एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, राइट. अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है. फर्स्ट पार्ट इज 13/80. फ्रेंड्स, इसको विदाउट डिविजन करने के लिए हमें 80 के मल्टीपल्स निकालने होंगे कि 80 के मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स इन द सेंस एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये क्या आया 2 4s 8 and 0, 2 2s 4 and 0, 2 10s 2 5s and 5 1s, राइट. तो इस 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 into 5, राइट. अब कोई भी नंबर विदाउट डिवीजन करे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तभी बताया जा सकता है जब उसके डिनोमिनेटर के ओ एलसीएम निकाल के जो आए वो 2 और 5 के ही फैक्टर्स में आए, 2 के फैक्टर्स में आए या 5 के फैक्टर्स में या दोनों के फैक्टर्स में. तो दैट मींस अगर जैसे ये 2 की पावर 4 और 5 की मल्टीपल्स में आ रहा है, तो ये आंसर टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स में आता है. सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 7/24. अब 24 के अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आएगा 2 1s 2 2 2s 4 2 6s 12 2 3s 6 and 3 1s. तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 3 into 3, ये 3 आ गया है. दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट फ्रेंड्स. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 5/12. अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3, राइट. अगेन 3 आ गया है, दैट मींस इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट. लेट्स डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 31/375. अब 375 के एलसीएम निकालते हैं, 5 7s 35 5 5s 25, अगेन 5 1s 5 5 5s 25 5 3s 15 and 3 1s. तो क्या आया, 375 के फैक्टर्स किए तो ये आया 5 की पावर 3 into 3, तो 3 आ गया साथ में, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट. लेट्स टू लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज 16/125. देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3 होता है, दैट मींस 5 की टर्म्स में आया है, 2 और 5 की टर्म्स में आना चाहिए, दोनों की टर्म्स में आना चाहिए, हेंस इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.